बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.8। एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the equation equation हमें differential equation given है, dy over dx minus x is equal to xy square, ठीक है। तो हमें मतलब के differential equation given है और हमें उसका general solution find करना है। तो general solution हमने 18 question तक हमने देखा कि किस तरह से general solution, वो general solutions ही थे, ठीक है। वो हमने देखा कि किस तरह से फाइंड करते हैं। चले हम इसका भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सपोज चले हम ये इक्वेशन लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई सुके। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया करने के लिए हमें ये देखना होगा हमारी जो इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सेपरेबल फॉर्म में मौजूद है या नहीं, या हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम पहले सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें आप, ये सेपरेबल फॉर्म में नहीं है क्योंकि डी वाई और डी एक्स एक साथ आ रहे हैं, एक्स और वाई स्क्वायर एक साथ मौजूद हैं, ठीक है। एक्स के साथ डी एक्स होना चाहिए, वाई के साथ डी वाई होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर जाके ये सेपरेबल फॉर्म में आएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स, अब इसको हम कैसे करें, मतलब मैंने इसको सेपरेट करना है तो मैं इसको कैसे सेपरेट करूं। सबसे पहले तो मैं एक्स को राइट साइड पे लेकर जाऊंगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, अभी भी सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, चले हम इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस वाई स्क्वायर बाकी बच गया इसमें, ठीक है। उसके अलावा डी वाई और डी एक्स एज इट इज। अब हमने ये करना है कि वन प्लस वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड पे लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी वाई और डी एक्स के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर आके, यानी कि डिवाइड आप कह लें होगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इज इक्वल टू एक्स जो है एज इट इज। उसके अलावा अभी भी ये सेपरेबल फॉर्म में नहीं आए क्योंकि इस डी एक्स की वजह से, अभी ये डी एक्स जो है इसके साथ मौजूद है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको हम मतलब के राइट साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब आप देखें तो एक्स की टर्म के साथ डी एक्स मौजूद है और y की टर्म के साथ dy मौजूद है, सब वेरिएबल्स आपस में सेपरेट हो चुके हैं, मतलब कि y के वेरिएबल्स अलहदा हैं, x के वेरिएबल्स अलहदा हैं, और x के साथ dx मौजूद है और y के वेरिएबल्स के साथ dy मौजूद है। तो मतलब कि अब ये सेपरेबल फॉर्म इसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये सेपरेबल फॉर्म में हमारे पास अब इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो चले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड पे भी एक्स डी एक्स को भी हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर आप याद करें तो आपने टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखा था, यानी कि डी ओवर डी एक्स की रिस्पेक्ट से, यानी कि एक्स की रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेट करें तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई का, तो कि इसके इक्वल आएगा वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर के, मतलब कि अगर आप इससे फिर इंटीग्रल इसका फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास ये इसके इक्वल आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई के, किसका इंटीग्रल, वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहीं पे ये भी मौजूद है, वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, तो जो कि इक्वल आएगा किसके, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई के, ठीक है। इस इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल फिर क्या होगा, एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय टू
प्लस सी। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ चुकी है जो कि है टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। जनरल इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली। अब हम क्वेश्चन के पार्ट टू पे आते हैं, मतलब कि एक पार्ट तो ये था, इसके अलावा पार्ट हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो है आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर, आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, हमें आप सोल्यूशन जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। अभी तो हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड किया ना, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इफ वाई इज इक्वल टू वन एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि वाई इज इक्वल टू वन हो और एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो यहाँ पर हम अब वाई को क्या पुट करेंगे, वन, और एक्स को जीरो पुट करेंगे। पुट करके देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू, एक्स को हमने जीरो पुट करना है, जीरो स्क्वेयर बाय टू प्लस सी। तो हमारे पास जीरो प्लस सी बन जाएगा, सी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन। टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं जो कि पाई बाय फोर के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कि 45 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री पे टेंजेंट जो है वो होता है वन। तो हमारे पास उसका इन्वर्स हो, मतलब कि हमें वन गिवन हो, उसका इन्वर्स हमने टेंजेंट इन्वर्स फाइंड करना हो, तो वो पाई बाय फोर के इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास सी की वैल्यू यानी कि इससे हमारे पास आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास पाई बाय फोर आ चुकी है। अब हम दोबारा अपने जनरल सॉल्यूशन में इसकी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। सी की जगह पाई बाय फोर में पुट करूंगा, तो हमारे पास ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और जो ऊपर हमारे पास जिसमें सी की फॉर्म में था वो क्या था, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों हमें फाइंड करने को कहा गया था क्वेश्चन नंबर 19 में, हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, वो मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, ये हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स का डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, उसके अलावा इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू फोर व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू फोर व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि उसका पर्टिकुलर इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल इक्वेशन हमें नहीं कही गई, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू टू एक्स। अब ये सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसको पहले हम सेपरेबल फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब कि एक्स की टर्म ये है टू एक्स, इसके साथ डी एक्स मौजूद होना चाहिए और डी टी और डी एक्स भी सेपरेट होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर dx मौजूद है तो इसके साथ मैं वन ओवर टू एक्स, या फिर हम ऐसा करते हैं पहले dt राइट साइड पे लेकर जाते हैं, आसानी हो जाएगी, dx इज इक्वल टू टू एक्स इंटू dt, और टू एक्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, वन ओवर टू एक्स बन जाएगा, वन ओवर टू एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब ये सेपरेबल फॉर्म में आ चुकी है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो चलें इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन ओवर टू, वन ओवर टू कॉफिशियंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर वन ओवर एक्स बचेगा। ठीक है, और डी एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह से लेफ्ट राइट साइड आप देखें तो यहाँ पर वन डी टी मौजूद है। ठीक है, अभी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो वन ओवर टू एज इट इज हम उतार लेते हैं, वन ओवर टू, और वन ओवर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो नेचर लॉग ऑफ एक्स आएगा। नेचर लॉग ऑफ एक्स क्यों आएगा,
एक्स नीचे फंक्शन मौजूद है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड पे आप देखें वन डी टी है, और वन का इंटीग्रल जो होता है जिसकी रिस्पेक्ट से ले जाता जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि इस केस में टी की रिस्पेक्ट से हम फाइंड करें तो इसका इंटीग्रल टी आ जाएगा, और प्लस सी हम लिख देंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब यहाँ पर जो है नेचर लॉग आ चुका है, चलें नेचर लॉग तो हम एज इट इज अभी लिखते हैं। तो 1 और 2, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t+c, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जनरल सोल्यूशन आया, जनरल सोल्यूशन आया, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि नेचर लॉग को, मतलब कि ये नेचर लॉग ऑफ एक्स है, इसको मैं नेचर लॉग ऑफ एक्स अगर लिखता हूँ तो इज इक्वल टू, बल्कि सी को मैं लेफ्ट साइड पे लेकर जाता हूँ, पहले माइनस सी इज इक्वल टू 2t, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि सी एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम नेचर लॉग ऑफ सी फाइंड करें तब भी कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो हम क्यों ना इसको नेचर लॉग ऑफ सी लिख लें, ठीक है। नेचर लॉग ऑफ सी, बाकी टर्म एज इट इज, नेचर लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू 2t। अब देखें नेचर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस साइन हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं सिंगल नेचर लॉग लिखकर, ठीक है, यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय सी, नेचर लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2t के। अभी भी ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अभी भी जनरल सोल्यूशन है। अब हमने इसमें से नेचर लॉग खत्म करना है। नेचर लॉग कैसे खत्म करें, देखें नेचर लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, या आप यहां से एक्स फाइंड करना चाहें तो किसके इक्वल आएगा, एक्स यहां से इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस्ट पावर 2t। वो कैसे, यहाँ पे आप नेचर लॉग ऑफ ई फाइंड करें, ठीक है, उसके बाद चले मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर फाइंड, वरना कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, ठीक है। तो नेचर लॉग ऑफ एक्स ओवर सी के मौजूद है, इसको मैं 2t के साथ जो है नेचर लॉग ऑफ ई मल्टीप्लाई करता हूँ, जिस तरह से मैंने एक और क्वेश्चन में भी किया था। नेचर लॉग ऑफ 2t, नेचर लॉग ऑफ ई क्या होता है, नेचर लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, मतलब कि मैंने, आप समझ लें कि मैंने साथ में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मल्टीप्लाई किया, जो कि आसानी से हम कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी एक्सप्रेशन पे या इक्वेशन पे। अच्छा, ये 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब हम नेचर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उससे पहले जो बी टर्म लिखी है आप ई इसकी यानी कि पावर में ला सकते हैं, तो यहाँ से नेचर लॉग ऑफ ई पावर 2t बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पे नेचर लॉग ऑफ एक्स ओवर सी ऑलरेडी मौजूद है। अब ये दोनों नेचर लॉग जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि ये नेचर लॉग कैंसिल आउट हो गए, एक्स ओवर सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई पावर 2t। अब हम ऐसा करते हैं कि एक्स फाइंड कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, फिर सी यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा सी इंटू ई रेस्ट पावर 2t। ये हमारे पास आप सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई है। अब हम ऐसा करेंगे कि अभी भी हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम जो है इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशंस हमें क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 4 पुट करते हैं और टी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2 इंटू 0, ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस्ट टू पावर 0 हो जाएगा। ई रेस्ट टू पावर, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आ जाता है, मतलब सी इंटू 1 इज सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम दोबारा से अपने जनरल सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस्ट टू पावर सी की जगह बल्कि अब आएगा 4, 4 इंटू ई रेस्ट पावर 2t। ये हमारे पास आ चुका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, उसमें भी हमें एक मतलब के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसको आपने सॉल्व करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और साथ में हमें जो यानी कि इनिशियल कंडीशन गिवन है जिसको यूज करते हुए हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ कल्चर, इन आ कल्चर
बैक्टीरिया इंक्रीजेस बैक्टीरिया इंक्रीज करता है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू द नंबर बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या कहा गया, इफ बैक्टीरिया आर 200, यानी कि इनिशियल कंडीशन अब हमें बता रहा है 200 इनिशियली, ठीक है, एंड आर डबल्ड और डबल हो जाते हैं इन 2 आवर्स, टू आवर्स 2 घंटों में वो डबल हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट फॉर 4 आवर्स लेटर, 4 आवर्स लेटर। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि एक कल्चर है जिसमें बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी कि जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उस से प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ चेंज आएगा, उतने ज़्यादा बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं ना इसको, तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होंगे उतनी ही इंक्रीज आएगा बैक्टीरिया की तादाद। अच्छा, और क्या कहा गया है कि इफ़ बैक्टीरिया 200 इनिशियली, यानी कि अगर इसमें तो पहली स्टेटमेंट में तो हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं बताएगी ना बैक्टीरिया की, हमें कहा है कि जितने बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उसकी जो है मतलब कि उसमें इंक्रीज आएगा। अब कहता है कि अगर बैक्टीरिया 200 हैं, यानी कि जब टाइम स्टार्ट हुआ यानी कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ, तो तब बैक्टीरिया की तादाद कितनी है, 200 है। और फिर उसके बाद कहता है कि 2 आवर्स जब गुजर जाते हैं, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स हो जाता है, तो अब तब क्या होता है, तब बैक्टीरिया की तादाद डबल हो जाती है, मतलब कि पहले 200 थी उसके बाद क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी, यानी कि 2 आवर्स लेटर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की तादाद 400 हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, 4 घंटों बाद बैक्टीरिया की तादाद क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम पहली स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे कि इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया की तादाद है कितनी, तो हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी, यानी कि किसी भी टाइम पे बैक्टीरिया की तादाद क्या है, पी है, पी वेरिएबल है, मतलब कि हमें नहीं पता उसकी वैल्यू अभी क्या है। ठीक है, तो फिर उस स्टेटमेंट के लिहाज से कि रेट ऑफ चेंज जो है आ रहा है बैक्टीरिया में वो क्या है, रेट ऑफ चेंज किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी कि जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, मतलब कि रेट ऑफ चेंज हम किस से डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव से। ठीक है, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया की तादाद इंक्रीज हो रही है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, ये उसने कहा है टू द बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हम सपोज पहले ही कर चुके हैं किसके, पी के, एट एनी टाइम। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब कि डी पी बाय डी टी, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाकर इक्वल लगाऊंगा और कोई साथ जो है कांस्टेंट यूज़ करूंगा, फिर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि के जो है वो शुड बी इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो।
अच्छा अब हमने क्या करना है इसको, अब हम ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो सॉल्व करना आपको आता है अब, तो मैं इसका डायरेक्टली यानी कि जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन इसका है पी इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास पी इज इक्वल टू आ जाता है ई रेस्ट पावर के टी इंटू सी, या फिर आप उसे कह सकते हैं पी इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस्ट पावर के टी। अच्छा ये हमारे पास आ चुकी है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आप इसे कह दें, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशंस क्या है कि एट इनिशियल टाइम, इनिशियली बैक्टीरिया आर 200, इनिशियली मतलब कि जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है। इनिशियली का क्या मतलब है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है और बैक्टीरिया की तादाद फिर क्या है, बैक्टीरिया की तादाद को हमने पी से डिनोट किया हुआ है, वो इक्वल हो जाती है 200 के, यानी कि इनिशियली बैक्टीरिया की तादाद क्या थी 200 थी, ठीक है। तो ये हम दो जो है इनिशियल कंडीशंस यहाँ पर यूज करते हैं और सी की वैल्यू यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 200 इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस्ट टू पावर के इंटू टी, टी क्या है जीरो है, तो ई रेस्ट पावर जीरो हो जाएगा 1, सी इज इक्वल टू बन जाएगा 200। ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ चुकी है 200, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है 200। अब हमने क्या करना है, अब वापस मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, अपने मतलब जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देता हूँ। तो पी इज इक्वल टू सी की जगह 200 और ई रेस्ट पावर के टी, ये अब इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और ये बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आप इसे कह सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं, हमें तो फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, यानी कि 4 घंटों बाद हमें इसका मतलब कि बैक्टीरिया की तादाद चाहिए। उससे पहले हमें क्या कहा गया, एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, ये भी एक अलहदा से यानी कि इनिशियल कंडीशन है, हम इसे कह सकते हैं 2 आवर्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और डबल हो जाती है, डबल मतलब कि 200 का डबल क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो पी जो एट टाइम टी जो है इज इक्वल टू 2, बैक्टीरिया की तादाद हो जाती है कितनी 400। तो हम इसमें पुट कर दे के देख लेते हैं, ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं 400, पी जो है वो 400 हो गया और 200 एज इट इज ई रेस्ट पावर के टी, के अभी एज इट इज क्योंकि के की वैल्यू हमें नहीं पता, और टी की वैल्यू क्या है, टी यहाँ पर है 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 200 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 बन जाएगा और ये ई रेस्ट पावर 2k, ये बन गया हमारे पास ई रेस्ट पावर 2k इज इक्वल टू 2। अब हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर 2k, और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके 2k इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2k, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय k, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय k, या k की वैल्यू हमें फाइंड करने हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, k तो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आती है, k की वैल्यू आ जाती है, k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी यहाँ तक रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है, तो नेक्स्ट में इसको हम कंप्लीट करते हैं।